नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। सफाई कामगार आयोग की बैठक शुक्रवार को इंदौर में हुई आयोजित। इंदौर सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया, निगम कमिश्नर हर्षिका सिंह रही मौजूद। रेसिडेंसी स्थित बैठक में नगर निगम, आदिम जाति और अनुसूचित जाति कल्याण, पुलिस, जिला पंचायत, स्वास्थ्य विभाग और जिले के अन्य नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों और उनके कल्याण संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। देखिए, जो मध्य प्रदेश शासन का नियम था, शासन के दिशा निर्देश थे कि ऐसे दैनिक वेतन भोगी जिन्हें अपने दैनिक वेतन भोगी के रूप में अपनी सेवाएं देते हुए 2007 में 10 वर्ष पूर्ण हो गए, ऐसे कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जाए। स्थायीकरण करने के बजाय 2270 लोगों को इंदौर नगर पालिका निगम ने विनियमित कर दिया, लेकिन उनका स्थायीकरण नहीं किया। तो उनकी वरीयता सूची के आधार पर जो लोग सीनियर हैं, पुराने हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको जो नगर पालिका निगम में सफाई कामगारों के रिक्त पद हैं, उन पर एक माह के भीतर उन्हें स्थायी करने के निर्देश हमने आज बैठक में दिए हैं और उसका एक माह में परिपालन होके वो रिपोर्ट हमारे पास आएगी। दूसरा, 11 भवन सफाई कर्मचारियों के जो अनकंप्लीट हैं, उन्हें एक माह के भीतर उनको कंप्लीट करा के सफाई कामगार वर्ग के प्रतिनिधियों को सौंपेंगे, जो वहीं के पंचायत के लोग उनका संचालन संधारण करेंगे, ये निर्देश भी हमने दिए हैं। दूसरा, सर पे मेला ढोने की प्रथा में जो बेरोजगार हुए लोग, उन लोगों के रोजगार स्थापित करने के लिए एक सफाई कामगार अस्वच्छ धंधे से जुड़े होने के कारण उनके जीवन स्तर को ऊंचा कैसे उठाया जाए, तो इंदौर नगर निगम को हमने ये निर्देश दिए हैं कि इनका एक भव्य प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाए, जिसमें जैसे वर्कशॉप है तो वर्कशॉप के जो वाहनों के सुधार के जो प्रशिक्षण है, जो नगर निगम शौचालय मूत्रालय बनाकर खड़ा कर देती है और उसमें सैनिटेशन के काम है, टाइल्स के काम है, रंगाई पुताई के काम है, इनके प्रशिक्षण करके इनको नगर निगम का सेवक बना के और इनसे काम लिए जाए, ताकि ये सफाई के कार्य से मुक्त होकर अन्य कार्यों में लगें। उस बात को भी इन्होंने स्वीकार की है और पिछली बार जो हमारा महर्षि वाल्मीकि प्रशिक्षण भवन के निर्माण के निविदा आमंत्रित करके और वर्क ऑर्डर हो गए थे, वो भवन भी हमारा शीघ्र बन के और सफाई कामगार उसका लाभ लेंगे और अस्वच्छ धंधे से ऊपर उनका जीवन स्तर उठेगा, ये निर्देश भी हमने इंदौर नगर निगम को दिए हैं। इसी के साथ जो अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण है उनको भी एक माह के भीतर पूर्ण करके किया जाए और बंद हमारे जो कर्मचारी हैं 230 जिन्हें आकरण बंद कर दिए हैं, जो अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, उनको बगैर सुनवाई करके जो नगर निगम ने बंद किए हैं, ऐसे कर्मचारियों को हमने एक शिविर लगा के उनकी सुनवाई करके उन्हें तुरंत कार्य से बहाल करने के भी निर्देश दिए हैं। समय की भी बात की गई है क्योंकि कर्मचारी सुबह से आते हैं शाम तक 6-7 बजे। ऐसा कोई कर्मचारी इंदौर नगर पालिका निगम में नहीं है जो 8 घंटे से अधिक वेतन ड्यूटी कर रहा हो, क्योंकि जब स्वच्छता सर्वेक्षण चलता है तो निश्चित हमारे जो अधिकारी हैं ये जरूर 12-13 घंटे काम करते हैं, लेकिन सफाई कामगार 8 घंटे से अधिक अगर सफाई कामगार से काम अगर नगर पालिका लेती है और ऐसा कर्मचारी हमें कोई शिकायत करता है कि हमने 12 घंटे काम किया, 8 घंटे काम किया है, तो हम उसका ओवर जो पेमेंट है वो भी नगर निगम से दिलवाएंगे। लेकिन कहीं भी मध्य प्रदेश में ऐसा संज्ञान में नहीं आया कि कर्मचारी से 12-13 घंटे काम लिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर आज प्रताप करोसिया जी जो हमारे सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में इस बैठक का पूरा संचालन हुआ और इसमें एक पॉइंट जो आउटसोर्स के संबंध में था उसमें ये स्पष्ट करना चाहूँगी, मैंने यहाँ पर भी अवगत कराया कि इसमें शासन के निर्देश हैं कि अपने को जब स्वीकृत पद मिलते हैं तो उन पदों के विरुद्ध हमको नियुक्ति और ये सारी चीज़ करनी होती हैं। इस संबंध में हम लोगों ने ऑलरेडी शासन को पूर्व में भी पत्राचार उनके साथ किया है, आज भी पुनः उसकी कॉपी हम लोग जो अध्यक्ष महोदय हैं उनको भी उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि वो अपने स्तर पे भी इस बात को टेकअप करेंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।